पंजाब का बेटा मोदी को चैलेंज करता है, 56 इंच के तेरी छाती को देखेंगे हम पंजाब के असली किसान पुत्र। ये देश पंजाब के किसानों का है, पंजाब के धरती के किसानों का है। महाराजा रणजीत सिंह से लेकर के और हिंदुओं को बचाने के लिए उन गुरुओं ने अपनी शहादत दी, गुरु तेग साहब बहादुर ने, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में लगे हुए ये लोग कभी भी इस देश को बिकने नहीं देंगे। जितने इनके दल्ले हैं ना आरएसएस के, इनमें दम नहीं है इनके अंदर। बोले सोनियाल। मेरे स्टेज पे बैठे संयुक्त किसान मोर्चा दे आगू साहबान, सभी अध्यक्ष, मेरे सिर दे ताज, मेरे भारत दे ताज, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, मैं 2-3 बातें आपके बीच में रखने आया हूँ। मैं पंजाब का बेटा हूँ, पंजाब की धरती पे पैदा हुआ हूँ। ये मुझे फ़ख्र है उस पंजाब की धरती पे पैदा होने का, गुरुओं की धरती पे पैदा होने का। और उत्तर प्रदेश के अंदर हमने मिशन शुरू किया है। 9 अगस्त को हम गए थे लखनऊ में, तो पंजाब का बेटा मोदी को चैलेंज करता है, 56 इंच के तेरी छाती को देखेंगे हम पंजाब के असली किसान पुत्र। और मोदी, तुझे देश बेचने नहीं देंगे। ये देश पंजाब के किसानों का है, पंजाब के धरती के किसानों का है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना महाराजा रणजीत सिंह से लेकर के और हिंदुओं को बचाने के लिए उन गुरुओं ने अपनी शहादत दी, गुरु तेग साहब बहादुर ने और उनके वंशजों ने, और 11वें गुरु ग्रंथ साहब, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में लगे हुए ये लोग कभी भी इस देश को बिकने नहीं देंगे, उस देश का नेतृत्व करेंगे। और मोदी, तुम्हारे को चैलेंज करते हैं हम। आपने तो अभी महादेव को बेच दिया, ईस्ट एंड यंग इंडिया कंपनी को, अब वहां पंडित और पुजारी पूजा नहीं करेंगे। इन्होंने उस महादेव को जो कहते थे महादेव ने बुलाया है, उस गंगा माँ ने बुलाया, उस गंगा माँ को बेच दिया। हमने कहा, उत्तर प्रदेश में अभी मीटिंग हो रही थी, हमने कहा नील गाय और बेच दो, कम से कम किसानों की फसल तो दुगनी हो जाएगी ना। तो मोदी का पेट भरने वाला नहीं है, मोदी का अंत हो चुका है। और अंत वो जो कॉरपोरेट घराने हैं, हमें उन घरानों के खिलाफ ये जंग जारी है और जारी रहेगी, ये जन क्रांति होगी। बहनों और बेटियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, 75 करोड़ की आबादी आपकी है और 75 करोड़ की आबादी हमारी है। आप लोग शेरनी बन करके, महारानी झांसी बन करके आप तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। ये जितने इनके दल्ले हैं ना आरएसएस के, इनमें दम नहीं है इनके अंदर। अभी एक अंबाला के अंदर मैं बैठा था, वो प्रोफेसर कहता अपने आप को आरएसएस का दल्ला, और मैं ठहरा हुआ था, वो अपनी पत्नी को पीट रहा था इसी लाठी से। और हमने कहा अपनी बहन को, हमने कहा कि कहने लगी वीर जी रहने दो तुसी, मैंने कहा क्यों रहने दो, तू मेरी बहन है, एक शेर की बहन है, चल मेरे साथ उठ खड़ी हो। हमने वही उठाई और वहीं पर उसको उसके दरवाजे में मारी। हमने कहा आरामजादे क्यों मारा इसको, हमने उसका ये लाठी खोस लिया। ये आपके बीच में उन्हीं आरएसएस के गुंडों के लिए जो ये हम पे अत्याचार करते हैं, उनके लिए हमने इस्तेमाल करेंगे इसको। तो बहनों और भाइयों, ज़्यादा आपके बीच में नहीं कहते हो, मैं सिर्फ 2-3 बातें आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कॉरपोरेट जो MNC बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, उन्होंने ये सरकारें खरीद ली हैं। और सभी दल, एक बात ध्यान रखना, कभी सोचो कांग्रेस, BJP, मायावती, फला, मैं आपको एक सच बात कहने के लिए आया हूँ, ये सभी के सभी दल उनके पास बिके हुए हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को लड़ेगा, संयुक्त किसान मोर्चे का एक एक व्यक्ति इस युद्ध को जीतेगा। ये सत्य का, न्याय का, धर्म युद्ध है, और ये धर्म युद्ध में सत्य की जीत होगी। इसके अंदर अगर हमें सशस्त्र भी लड़ना पड़ा, अपने अपने हथियारों को, अपने अपने कसी को, फावड़े को, डंडे को, हल को, ट्रैक्टर को, सभी को धो मांझ करके तेल लगा कर रख लीजिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा हम गांधीवादी तरीके से प्रेम, सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। उसी दम पर हम बनारस के अंदर, जहां गांधी जी ठहरा करते थे, हमने बनारस के अंदर वहां डेरा लगाया है, और वहीं पर हम ठहर के बनारस के अंदर उसको चुनौती दे रहे हैं।
और आप सभी के आशीर्वाद से पूरे के पूरे भारत में ये एक लहर चल पड़ी है। हम आप सभी से किसान आगुओं से भी ये प्रार्थना करना चाहते हैं और वहां भी मीटिंग में हम रखेंगे। हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि हमें गांव गांव जाकर के संयुक्त किसान मोर्चा की इकाई गठित करनी है और जब तक हम गांव गांव नहीं जाएंगे वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की इकाइयां गठित नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ेगा। इसको और तेज करने की जरूरत है। हमारे सभी साथी अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, ये चरखा और चरखड़ी का आंदोलन है, इसलिए गर्म और नरम इसके अंदर ये पहला आंदोलन है जिसके अंदर दोनों दिशाएं दोनों विचारधाराएं होकर के एकजुट करके लड़ रही हैं, वो है संयुक्त किसान मोर्चा। और संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।